सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बाबा का बुलडोजर यानी कि प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो लगातार दंगाइयों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी लगातार माफियाओं और पे लगातार जो है वो उनका बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है और लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गाजियाबाद में चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, इस वक्त गाजियाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये कार्रवाई कहां आखिर करी जा रही है? देखिए, आपको बता दूं, गाजियाबाद के डासना की पूरी कार्रवाई हो रही है, जहां पर ये उस्मान गढ़ी एक गांव पड़ता है, जहां पर ये बुलडोजर चल रहा है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बाबा का बुलडोजर है जो कि लगातार अपनी कार्रवाई करता जा रहा है, लगातार ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद के डासना क्षेत्र के अंदर में, जहां पर अवैध अतिक्रमण ये पिछले कई सालों से बनाया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं शासन के यहां पर आदेश के बाद भी यहां पर इन लोगों ने किसी तरह से कोई सुनाई नहीं की, और साथ ही इनको एक नोटिस भी दिया गया था शासन द्वारा। खास तौर पे यहां पर जो अतिक्रमण है, लगभग यहां पर 30 मकान बताए जा रहे हैं, ऊपर बुलडोजर चलना जारी है। लगातार पहले मकान पे बुलडोजर चल चुका है, अब ये दूसरे मकान की बारी है जो दूसरे लगातार बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं दीवारें ध्वस्त कर दी गई हैं, ऊपर का लेंटर देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसमें सरिया नजर आ रहे हैं, ये भी कुछ समय बाद ये भी ध्वस्त हो जाएगा। लगातार बाबा लगातार वो माफिया हो, चाहे वो अवैध अतिक्रमण करने वाले हो, चाहे कितने भी व्यक्ति हो, कोई भी चाहे आपराधिक व्यक्ति हो, सब पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध अतिक्रमण, क्योंकि बताया जा रहा है ये सरकारी जमीन थी जिस पर कई सालों से अतिक्रमण किए हुए थे ये लोग, लेकिन इनको नोटिस पहुंचाने के बावजूद भी यहां पर अतिक्रमण जारी रहा। आपको बता दें, यहां पर ये गाजियाबाद के डासना के उस्मान गढ़ी का पूरा मामला है, जहां पर लगातार बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अधिकारी भी मौजूद है, यहाँ पर एडीएम साहब हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। सर, क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरह से ये बुलडोजर जो चलाया गया, इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था या फिर इन लोगों को इससे पहले भी, मतलब कई सालों से बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? उस्मान अखलाक और उनके जो तमाम भाई हैं, ये लोग माफिया प्रकृति के लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया, ये सरकारी तालाब था, इस पर करीब 25-30 साल पूर्व अतिक्रमण करते हुए कब्जा कर लिया। इस विषय में जो है तहसीलदार न्यायालय में इनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई हुई। उसी बेदखली के आदेश के पश्चात इनको दो नोटिस निर्गत किए गए। नोटिस के पश्चात भी इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया सरकारी जमीन से, तो आज उसी को कंप्लायंस किया जा रहा है उस आदेश का। सर, ये सरकारी जमीन है और ये किस श्रेणी में है कि ये किस चीज में आती है जो जमीन है? ये तालाब की जमीन है और इस पर अतिक्रमण किया गया है, इसको हटाया जा रहा है। भविष्य में भी जिस तरह जब भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आपने सुना एडीएम साहब को, उन्होंने खास तौर पे बताया है कि यहाँ पर उस्मान नाम के व्यक्ति थे जो अवैध अतिक्रमण को लेकर काफी ऐसी जगह थी जहां पर उन्होंने कब्जा जताया, और खास तौर पे ये वो मकान काफी सालों से यहाँ पर बने हुए हैं जिनको अब प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा इसको ध्वस्त किया जा रहा है। बाबा बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, किसी भी भूमाफिया हो या कोई गुंडा हो या कोई भी हो, अब उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी भी प्रकार से इस तरह से कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। जी प्रवीण, अभी तक कितनी इमारतों पर बिल्ड जो बाबा का बुलडोजर है वो चल चुका है और आगे और कितनी इमारतों पर चलेगा ये बुलडोजर? देखिए, आपको बता दूं, ये दूसरा वो मकान है जिस पर बुलडोजर चल रहा है, पहला मकान इससे पहले ध्वस्त कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद इस मकान को ध्वस्त करने के बाद वो तीसरे मकान की भी बारी आएगी। आप देखिए, धूल भरा ये अंबार, ये बता रहा है इतनी भी अवैध यहाँ पर बने हुए हैं, अतिक्रमण है अवैध,
क्योंकि तालाब की जमीन बताई जा रही है सरकारी जमीन है, इस पर बुलडोजर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा का बुलडोजर लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ के लोग निवासी हैं जो दूर खड़े होकर देख रहे हैं, प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है, काफी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। आप मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें दिखाए, ये प्रशासन है पूरे चारों तरफ, यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी हिंसा ना भड़क जाए या किसी तरह से लोग यहाँ पर आ ना पाए, इस तरीके से प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी प्रवीण, इस वक्त लगातार जो है वो भूमाफियाओं पर योगी सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो भूमाफियाओं में कितना खौफ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे देखिए भूमाफिया चाहे कोई भी हो, उनके अंदर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना भय का माहौल बन गया है कि आने वाले कई समय तक वो लोग इस तरह की कभी भी गलती नहीं करेंगे, ना ही कोई अवैध अतिक्रमण या फिर कोई किसी तरह से किसी भी भूमि पर कब्जा करने में 10 बार या 1000 बार सोचेंगे। जी प्रवीण, इस वक्त कार्रवाई की जा रही है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, तो ये कार्रवाई तकरीबन कितने बजे शुरू हुई और कितने बजे तक ये कार्रवाई चलेगी? देखिए लगभग आपको बता दूं, तकरीबन पुलिस प्रशासन जब हम यहाँ मौजूद थे, जब पहुंचे यहाँ पर तो लगभग समय हो रहा था 10:30 बजे का। 10:30 बजे हम यहाँ पहुंचे तो हमें जानकारी मिली, तो हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर पहला जो मकान था अतिक्रमण था वो ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब ये दूसरा है मकान जिस पर देख सकते हैं जब यहाँ पर बुलडोजर आया था तो बुलडोजर आने के बाद यहाँ पर कुछ लोग अपना सामान नहीं हटा पा रहे थे, तो वो भी बात यहाँ पर बल्लियां रखी हुई थी, जो बांस की बल्लियां थी उनको बुलडोजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आनंद फानंद में वहां पर जो लोग रह रहे थे इस मकान के अंदर में, उन्होंने वहां से बल्लियां तत्काल काफी लोगों ने वहां से उठा के वहां अलग किए, जिससे कि उनका जो सामान है वो सुरक्षित रह जाए, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण है उस पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए दीवारें गिराई जा रही है, ये लेंटर ध्वस्त कर दिया गया, अभी ये नेस्तनाबूद हो जाएगा पूरा मकान कुछ का बुलडोजर बड़ी तेजी से चल रहा है गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के अंदर में। जी धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आपने गाजियाबाद से सीधे तस्वीरें देखी जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एक ऐसी ही खबर आज भी गाजियाबाद से सामने आई जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि ये जो जमीन है ये तालाब की जमीन बताई जा रही थी, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर अपना घर बनाया हुआ था, वही अब उस घर पर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कैसी खबर गाजियाबाद से सामने आई जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी कि किस तरह से प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस